अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाड़ा मेज़बान शहजाद शाह, तुसी वेख रहे ने बकरा मंडी हासिलपुर। तो दोस्तों ने वास्ते एक बेहतरीन वीडियो लैके हाजिर होए हैं, जिस दे विच एक फार्म ते मैं आया। तो माशाल्लाह बेहतरीन इत्थे बकरियां मौजूद हैं पईआं, ते इन्हां दे घरेलू माशाल्लाह बकरियां, ते इन्हां कोल मुकम्मल इंटरव्यू तुहानू लैके देंगा इंशाल्लाह। तुसा वीडियो एंड तक वेखनी है कि इन्हां शुरुआत च बकरियां कितनी रखे ने और इन्हां नूं यानी कि डेली जिहड़ा फायदा कितना इन्हां नूं हासिल होंदा है। तो माशाल्लाह बकरियां सारे यानी कि बेहतरीन क्वालिटी ने। ये जनाब चिश्तियां दे विच फार्म है पिया, चिश्तियां दे विच माशाल्लाह छोटा जिहा फार्म बनाया, तो जनाब बेहतरीन माशाल्लाह ने बकरियां रखी हुई हैं। तो बकरियां मैं तुम्हें चेक करा देने जी, माशाल्लाह खूबसूरत इन्हें बकरियां, तो इन्हों की वो भी बकरी चेक करावनी जी, इन्हों की यानी कि फार्म की सब तो वड्डी और खूबसूरत माशाल्लाह बकरी है। तो ये जनाब तुम क्वालिटी वाले माशाल्लाह बकरियां चेक कर लवो। तो मदरसा मंडी इतने नाल ही पै जाती है जनाब, तो ये मदरसे का असल कलर यही है। तो ये जनाब चेक करो माशाल्लाह बेहतरीन जनाब क्वालिटी वाली बकरियां इन्हों दियाँ, मैं दोस्तों यानी कि चेक करा देना। तो बाकी वो बकरी भी तुम चेक करावनी है जी, इन्हों की फार्म की यानी कि सब तो खूबसूरत माशाल्लाह बकरी है। तो यह जनाब जो कि ब्रीडर में यानी कि इन बकरियां तो छड़ो है जनाब, ये तुम देख सकते हैं। तो एक ही ने दो मेरे ख्याल दो ब्रीडर माशाल्लाह छड़े हैं, दूसरा ब्रीडर भी तुम चेक करा देना। तो बेहतरीन माशाल्लाह क्वालिटी वाले जानवर इन्हें को मौजूद ने। तो बाकी हूँ चल के दोस्तों मैं हूँ चाचा को इंटरव्यू लैके दे देना कि रोज़ाना इन्हों की यानी कि कितना दुध आता है और इन्हों की यानी कि रोज़ाना जी खुराक उन्होंने कौनी कि सर्दी इन्हों ने कि खुराक पानी चाहिए, इन्हों का किस तरह ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा मुकम्मल इंटरव्यू लैके दे देना जी। दोस्तों यानी कि इन्हों बकरियां टोटल नहीं पाए, तो यह जनाब चाचा को माशाल्लाह बकरियां, तो हूँ इंटरव्यू लैके देने। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। अच्छा चाचा जी, शुरुआत कितनी बकरियां रखी हैं? बकरी है पंजाह। इस वक्त पंजाह है? हाँ जी। तो शुरुआत यानी कि कारोबार शुरू किए उस वक्त कितनी बकरियां? दस साल पे। हाँ, तकरीबन कितना अरसा हो गया बकरियां रखे हुए? बकरियां तकरीबन हो गए 20-25 साल। 20-25 साल बीच मैंने सेल कर देते हो? हाँ जी। अच्छा, तो इन्होंने थोड़ी इस यानी कि फार्म से मैं आया, माशाल्लाह बकरी बड़ी चंगी लगी है। तो सब तो खूबसूरत बकरी कि जरा सब चेक करा सो। बिल्कुल जी, चेक करा दो जनाब। हूँ तुम सब तो खूबसूरत और माशाल्लाह यानी कि वड्डी बकरी इन्हों की चेक करा देना। तो वाकई यानी कि पहले बकरियां बहुत माशाल्लाह खूबसूरत होंगे, यानी कि 7-7 लाख तो वाकई यानी कि असा खुद भी यानी कि वेखे सेल होंदियाँ। तो बाकी तुम बकरी में माशाल्लाह क्वालिटी ये जनाब ये फार्म की माशाल्लाह सब तो खूबसूरत और टॉप क्लास की बकरियां ये माशाल्लाह चेक। ये जनाब ये चाचा ये दुआ ये घर दी यानी कि? अच्छा, ते अगर कोई ना कोई बकरा बुकरा फार सेल भी है कि नहीं? वो केड़ा सेल है? ये जनाब मैं तुम्हें पहले इन्हों की बकरियां चेक करा जी, इन्हों यानी कि फार्म तो सब तो खूबसूरत माशाल्लाह वाकई चंगी बकरियां पईआं। तो ये जनाब अच्छा ये बकरा यानी कि विकाऊ है, मूँह किवें पिया? खीरा है। ये थोड़ा साइड से कढ़ने जनाब। ये जनाब माशाल्लाह ये फार्म का यानी कि तो अच्छा अच्छा रोज़ाना इन्हों का दुध कितना होंदा? उसी दो दिन अंदा तक कम से कम मेरी बकरी एक या दो है। अच्छा, 3-4 किलो दूध दे दी हैं माशाल्लाह। यानी कि भूख दे बेच भी भूख यानी कि सर्दी है पे यानी कि खुराक के नाल कम है भाई। हां जी। अच्छा, तो सर्दी दे जानवर किथे यानी कि तुसे ढक देने जित जी इनां दी महफूज जगह होवे? मकान पाए और बराम ते गुएन पे। अच्छा, डारी है बड़ी बेहतरीन बनी हुई। अच्छा सही। तो यानी कि तुसा यानी कि शुरुआत दे 10 बकरियां रखियां, तो यानी कि हुण इस वक्त 50 आए, तो यानी कि ना काफ़ी अरसा तो तुम्हारा काम में ही है बिच सेल कर देंगे, यानी कि अगर अगर तुम कट्ठे रखते हो तो माशाल्लाह आज तुम्हारे को काफ़ी होंगी। हाँ जी सही। तो बाकी तुम इन सर्दियों के खुराक पा रहे हैं? इस खुराक मतलब खल दाना वंडा। अच्छा, मक्की। सही, 3-4 चीज़ें रला तो पा रहे हैं, यानी कि इन्होंने पा रहे हैं। इन्हों के गभना कितनी हैं भाई टोटल? दस बकरियों में गब्बड़ा हैं भैया, तो बाकी दुध वाली हैं। सही। तो बाकी माशाल्लाह तुम बकरी इन्हें चेक कर लो, तो चाचे तो माशाल्लाह तुम शौक चेक करो बेहतरीन माशाल्लाह शौक लगे नसीब करे। तो जनाब बाकी क्वालिटी वाली माशाल्लाह बकरियां पईआं। तो दूसरा कमेंट के दसना है कि तुम बकरियां चाचे के किस तरह लगे, चाचे का शौक किस तरह का, माशाल्लाह वेख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी वाली बकरियां पईआं। ये जनाब चेक करो, जो कि तुम चाचे को इंटरव्यू भी ला के दे दिता है यानी कि इस वक्त यानी कि सर्दी से वाकई यानी कि जानवर में भुख होंगी है, क्योंकि सर्दियों के बच्चे थोड़ा चारा कम मिलता है। तो इस वक्त ही चाचा कह रहे हैं कि मेरी फी यानी कि बकरी जी 10 बकरियां यानी कि 4-5 किलो यानी कि दुध देती है, माशाल्लाह बेहतरीन अल्लाह तआला नसाइयां नसीब करे। तो बाकी माशाल्लाह बकरियों की क्वालिटी माशाल्लाह चेक करो बेहतरीन माशाल्लाह क्वालिटी की बकरियां हूँ यानी कि चराई तो लैके जा रहे हैं, यानी कि इन्होंने बह रहे इन्होंने यानी कि चराई बेहतर होती इन्हें बकरियों वास्ते, क्यों जी इस यानी कि रोज़ाना अगर बकरी थोड़ी कोई भी यानी कि बकरी थोड़ी अगर घर है ना रोज़ाना अगर उसकी वर्जिश कराई जाए, जिस तरह अपना आदि वर्जिश करने हैं तो बकरी यानी कि सेहतमंद रही है, तो हर गलो ठीक रही है। तो
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹਨ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੈ ਭਾਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰੱਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਮ ਕੋਈ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਾਈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾ ਸਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਣ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਨਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨ ਪਏ ਅਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਬੱਕਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਚਾਚਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।